हैं और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। शिवपाल सिंह यादव ने देर रात मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, साथ साथ पार्टी अध्यक्ष का पद भी उन्होंने छोड़ दिया है। देर रात से ही शिवपाल के घर के बाहर बड़ी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। आज सुबह से उनके कई समर्थक और विधायक मिलने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। शिवपाल को मनाने के लिए मंत्री नारद राय, विधायक रामलाल अकेला, एनएलसी रण, एमएलसी और अक्षय प्रताप सिंह समेत कई विधायक मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं। दरअसल समाजवाद परिवार इस वक्त संकट में है, क्योंकि जो तनातनी चाचा भतीजे के बीच से शुरू हुई वो तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बीती रात शिवपाल ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ दी और कहा जा रहा है कि आज वो अपना सरकारी आवास भी छोड़ सकते हैं। हालांकि उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन वो अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। शिवपाल सिंह यादव के समर्थक बीती रात से ही उनके घर के बाहर डटे हुए हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है। आज सुबह जब ये नारेबाजी हो रही थी उसके बीच शिवपाल यादव बाहर निकले और क्या कहा उन्होंने सुनिए। स्थिति में नेताजी के साथ हैं और नेताजी के लिए आदेश आज सब लोग पार्टी कार्यालय जाएं। पार्टी कार्यालय वहीं नेताजी आएंगे। नेताजी से अपनी बात रखना। अब सब लोग नेताजी के साथ हैं और किसी भी कीमत में समाजवादी पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगे और हर स्थिति में हर परिस्थिति में हम संकेत ही हमारे लिए आदेश है और सब लोग खास तरीके से अपनी पार्टी में मजबूत करना है। पार्टी कार्यालय पर जाइए और नेताजी के साथ है और नेताजी के सामने अपनी बात को रखना है। शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे आदित्य यादव और बर्खास्त किए गए मंत्री गायत्री प्रजापति के साथ बाहर आते हैं और एक याचक की भूमिका में दिखते हैं। सबको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि आप लोग यहां से पार्टी ऑफिस जाएं, पार्टी ऑफिस जाके मुलायम सिंह यादव से गुहार करें और उन्हीं से अपनी बात कहें, जिससे कि आगे इस पे निर्णय हो सके। अब हमें इंतजार है मुलायम सिंह यादव का कि आखिर वो इस सारे घटनाक्रम पे क्या निर्णय लेते हैं। रोहित के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो कुल मिलाकर शिवपाल सिंह यादव ने अपने समर्थकों को बाहर आकर कहा कि आप सब पार्टी दफ्तर जाएं और वहीं पर जाकर नेताजी के सामने आप अपनी बातों को रखिए, हम नेताजी के साथ हैं, वो जो भी फैसला लेंगे उसके साथ हम हैं। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि बीती रात से अब तक क्या कुछ हुआ है। उस वक्त जब मुलायम पहुंचे लखनऊ, उसके बाद से लेकर अब तक पूरी रात भर क्या हुआ, शिवपाल यादव ने मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अखिलेश यादव ने शिवपाल के इस्तीफे को नामंजूर किया है, लेकिन शिवपाल अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। देर रात शिवपाल के घर के बाहर समर्थकों का जुटना शुरू हुआ, समर्थकों ने नारेबाजी करनी शुरू की। घर के से बाहर निकलकर शिवपाल ने समर्थकों को संबोधित भी किया था बीती रात। देर रात अपने समर्थकों को संबोधित करने के बाद रात भर ऐसे ही जमावड़ा उनके घर के बाहर समर्थकों का लगा रहा। आपने सुना कि शिवपाल ने आज सुबह अपने समर्थकों से क्या कहा, लेकिन बीती रात जब समर्थक जुटना शुरू हुए थे उस वक्त देर रात बाहर निकलकर शिवपाल यादव ने क्या कहा था वो भी सुनिए। सभी कार्यकर्ता हम आपके साथ खड़े हैं। जी जी, सब कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं सामने देखे और अब सब लोग आराम से जाइए, सोइए, हम भी सोएं। खड़े हैं तुम लोग काहे की चिंता करते, जाइए आराम से। मिलेंगे
सीधे रुख करते हैं शिवपाल यादव के घर का, जहां से हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। अरविंद, तो पूरी रात शिवपाल यादव के घर के बाहर नारेबाजी हुई है, कुछ कार्यकर्ता रोते नजर आए, कुछ कार्यकर्ता धमकियां तक देते हुए नजर आए, आत्मदाह करने की धमकी भी कुछ कार्यकर्ताओं ने दी अगर सभी पद वापस नहीं किए गए सम्मान के साथ शिवपाल यादव को। ये बताइए कि सुलह की कोशिश लगातार नाकाम क्यों हो रही है? कल मुलायम सिंह यादव लखनऊ पहुंचे, वहां पर कई सारी मुलाकातें हुई, अखिलेश से भी देर रात उनकी मुलाकात हुई, लेकिन अब तक सुलह हो नहीं पाई है। क्या मामला बढ़ता जा रहा है, गंभीर होता चला जा रहा है? तान्या, सबसे जो बड़ा प्रश्न है कि आखिर शिवपाल सिंह यादव की ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिसको नहीं मानी गई। शिवपाल सिंह यादव खुद कह रहे थे, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पे नियुक्त हुए हैं, उनको यह नियुक्ति मुलायम सिंह यादव ने की है। और जब उनसे लोगों ने पूछा कि बाकी जो मंत्रिमंडल में जिन पदों से आप मंत्रिपरिषद के जिन पदों से आप हटाए गए हैं उसके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने ये कहा था कि हम तो मंत्री हैं ही हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर शिवपाल सिंह यादव ने इस्तीफा क्यों दिया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और आज सुबह जिस तरीके से गायत्री प्रजापति उनके साथ बाहर निकल के आते हैं, उससे ये कहीं ना कहीं मन में शंका पैदा हो जाता है कि आखिर पूरी पार्टी में कौन है जो मुलायम सिंह यादव के आदेश को चैलेंज कर रहा है, कौन है जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। आखिर शिवपाल सिंह यादव की ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो नहीं मानी जा रही हैं, और शायद यही कारण है कि इस पे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जिन तीन लोगों को वापसी की बात कही जा रही है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया है और बर्खास्त करने का काम अखिलेश यादव ने किया है, तो क्या अभी भी ये कहा जा सकता है कि चाबी यानी सत्ता का संचालन कहीं और से किया जा रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न है लोगों के मन में, क्योंकि अभी तक वो शर्तें सामने नहीं आ पाई हैं जिसकी वजह से शिवपाल सिंह यादव ने इस्तीफा दिया। क्योंकि कल मुलायम सिंह यादव से भी उनकी मुलाकात हो गई थी और अखिलेश यादव के साथ भी उनकी मुलाकात हो गई थी। अरविंद, ये बताइए कि अब आखिर कौन सी ऐसी बात, अरविंद ये बताइए कि अब आगे आज दिन भर कितनी गहमा गहमी रहने वाली है, क्योंकि आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी है। शिवपाल अपने समर्थकों को बार बार कह रहे हैं कि आप पार्टी ऑफिस जाइए, आप नेताजी से बात करिए, अपनी बातें नेताजी के सामने रखिए, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी क्या अपने समर्थकों को के जरिए दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? जिस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रामगोपाल यादव को विलेन साबित करने की कोशिश की जा रही है, लोग रामगोपाल यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि आखिर कौन लोग हैं जो रामगोपाल यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो रामगोपाल यादव को पार्टी से निकलवाना चाहते हैं? बड़ा प्रश्न यह है कि ये सारा कुछ कहां से चल रहा है, कौन सी ऐसी शर्तें हैं शिवपाल सिंह यादव की जो अभी तक बाहर नहीं आई है, कौन सी शर्तें हैं जिसपे सहमति नहीं बन पाई है, कौन सी बात है जिसको शिवपाल यादव मनवाना चाहते हैं? क्योंकि इस्तीफा देने का जो उन्होंने ये सारा घटनाक्रम किया, वो वहां से आने के बाद काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उनकी बात मानी नहीं जा रही है? बिल्कुल, और अभी कल रामगोपाल यादव ने ये बात कही थी कि जब नेताजी और अखिलेश की मुलाकात होगी उसके बाद स्थिति बिगड़ेगी नहीं, उसके बाद स्थिति सुधर जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तो रामगोपाल यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है शिवपाल के घर के बाहर। इस खबर पर हम बने रहेंगे। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए।